नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर वैकेंसियां निकली हुई हैं, तो इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी है। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू लाता रहता हूं। और क्या इसका देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कंप्लीट जो आपका इन्फॉर्मेशन है मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक और खुशखबरी है जिसमें मैं आपको बता कि आपको बेस्ट तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बेस्ट तैयारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। देखिए टेस्ट सीरीज आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यानी कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के लिए या डीडी के लिए। आपको तैयारी के लिए यानी बेस्ट तैयारी के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज की आपको आवश्यकता होती है, तो आपको परीक्षा एप्लीकेशन में आपको डाल दूंगा, यानी आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको डेमो के लिए फ्री भी जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको परचेज करिए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतरीन हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप उसमें मेरा कूपन कोड लगाते हैं यानी प्रजापत 50, यानी आप प्रजापत 50 लगाते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वहाँ पर जाइए और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, और आप नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या अन्य कोई भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो इसी के बताता हूँ मैं सबसे बेस्ट में, यानी आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। देखिए आपको 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपको 5 ईयर का SC ST कैंडिडेट को रिलेशन मिलता है, 5 ईयर का। उसके बाद देखिए OBC को मिलता है 3 साल का, यानी 3 ईयर का OBC वाले स्टूडेंट्स को इसमें रिलेशन मिलता है। उसके बाद देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आपके पास 10th पास। 10th पास है तो आप इसमें डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किसमें क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपने फॉर्म अप्लाई किया, यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखिए, पहले क्या होता था, इसमें जो आपका एडमिट कार्ड है वो परसेंटेज बेस पे आता था, यानी जैसे 95 है, 90% गई है, तो 90 से जो ऊपर है 91, तो उनका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी 50 है तो आपका भी एडमिट कार्ड आएगा, आप भी एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा ऑनलाइन बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम की पासिंग मार्क्स है। देखिए आपके पास UREWS और OBC के लिए 30 मार्क्स होने ज़रूरी है, और SC ST के लिए 27 मार्क्स होने जरूरी है, तब आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। देखिए एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वो क्या होता है, आपको मैथ में यहाँ पे 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साइंस में यहाँ पर 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन और GK के 5 क्वेश्चन। यहाँ से आपको जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसमें जैसे मैथ के जो जो टॉपिक हैं वो कहाँ कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो कंप्लीट सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 60 मार्क्स का, यानी 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। मिनट आपके पास जो टाइमिंग होगा वो होगा 45 मिनट, यानी 45 मिनट आपका जो टाइमिंग होगा वो होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन होंगे टोटल आपके पास 60 आपके पास क्वेश्चन होंगे। देखिए 60 आपके पास क्वेश्चन होंगे, यानी आपको 30 जो मार्क्स है, यानी 30 मार्क्स है, यानी आपको 50% मार्क्स आपके आपके पास होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद देखिए उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट लगभग 45 प्लस जाएगी, 45 के समथिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। अब देखिए फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल से पहले आपका एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सभी, तभी आप वहाँ पर जाएँ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको फिजिकल के लिए तैयार किया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में
देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल में आपका 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी, 7 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 7 मिनट को आपका टाइम दिया जाएगा, 1600 मीटर रनिंग होगी। उसके बाद देखिए 20 स्क्वेट्स लगवाए जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्वालिफाई करते जाते हैं, यानी आपको फर्स्ट टाइम में रनिंग क्लियर हो तो उसके बाद 20 स्क्वेट्स लगवाए जाएंगे। स्क्वेट्स क्लियर होने के बाद आपको यानी उठक बैठक, उसके बाद देखिए 10 पुशअप लगवाए जाएंगे। यहाँ पर आपका PFT वो कम्प्लीट हो जाता है। PFT कम्प्लीट होने के बाद फिर से आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट होने चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर आपका जो फिजिकल है वो क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या चेक किया जाता है, देखिए नेक्स्ट एक इसमें नई कंडीशन है, यानी आपके 10वीं में 70% है, 10वीं में 70% से नीचे है तो आप अगर यानी 60% मार्क्स, सॉरी 60 मार्क लाते हैं, यानी 100% अगर आपके एग्जाम में मार्क्स आ गए तो आपको एक अलग से एग्जाम देना होगा। अगर आपके 60 नंबर से कम है तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स की लेवल चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स ला सकता है नहीं ला सकता, यानी 100 में से 100% मार्क्स ला सकता है या नहीं ला सकता, इसके लिए वो एक नेक्स्ट टेस्ट करवाते हैं, उसको क्वालिफाई करना होता है। अगर उसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको यहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके पास 100% से कम आपके मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आपकी अगर परसेंटेज कितनी भी है, परसेंटेज इसमें कोई मायने नहीं रखेगी। उसके बाद आपको यहाँ से क्वालिफाई करने के बाद फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा आपका, उसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैं आपको ओबियसली जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाएँ आप और परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। उसमें से आप कोई भी डिफेंस की यानी कोई भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड की भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और उसके बाद आप डेमो देकर देखिए, उसके बाद आप अगर परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। जय जय भारत।